अदानी ने जो एक्शन ली हम लोग के ऊपर, ये पुरुष सब परेशान है। तो पर दामे मरून जाए सर, 13-14 वर्ष का झोपला यू भी आधा निशाना रहेगा तो वो आप लोग चाहते हैं कि लाइट बिल भरे। अरे बंद करा, अरे बंद करा। झुकी झोपड़ियों में रह रहे चेंबूर सिद्धार्थ कॉलोनी के हजारों परिवार आडानी कंपनी के समय पर बिजली न देने पर उतरे रोड पर। महाराष्ट्र शासन बहुमूल्य स्कीम सहकार्य गृह निर्माण महस मुंबई करो के लिए एक सपना साबित होती जा रही है। अब झुकी झोपड़ियों में रह रहे गरीब परिवार जाए तो जाए कहां। साढ़े तीन हजार माणसं कधी येणार, कधी बिल भरणार, कधी लाइट चालू होणार, तोपर्यंत आम्ही मरून जायचं। साढ़े तीन हजार माणसं जोपर्यंत बिल भरत नाही तोपर्यंत लाइट चालू करणं, तोपर्यंत आमचे लहान लहान मुलं वगैरे मरणार आम्ही तसेच। बाजूची मुलगी भाजली घाल चाय चालून, हे तरी विचार केला पाहिजे। ते मग कशाला थांबला 13-14 वर्ष तो, त्यांनी का नाही आमच्यावर कारवाई केली काय? हा, तीन महिन्यात लाईट कटिंग व्हायचं काम करतायत ना, मग त्यांनी का नाही केलेलं? ज्यांनी त्यांना थांबवलंय ना, त्यांच्या घरी जाऊन तो बिल वसूल करा। आम्ही तर प्रामाणिकपणे भरत तयार आहेत। मुंबई में लाखों परिवार झुकी झोपड़ियों में रहकर मेहनत मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का जीवन गुजारा कर रहे हैं। इन झुकी झोपड़ियों में कभी बिजली तो कभी पानी समय पर न मिलने से झोपड़ियों में रह रहे परिवार व उनके नन्हे बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे परेशान होकर चेंबूर सिद्धार्थ कॉलोनी में रह रहे हजारों परिवार रास्ते पर उतर पड़े। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि सिद्धार्थ कॉलोनी में अडानी कंपनी ने बिजली काट दी है, जिसके चलते इन झोपड़ी धारकों ने चेंबूर कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया और चेंबूर कलेक्टर को लेखी पत्र निवेदन दिया, जिस पत्र में इन समस्याओं का खुलासा किया गया है। गए 7 दिनों से हमारे सिद्धार्थ कॉलोनी की लाइट बंद किया जा रहा है, उसमें हम लोग को, हमारे बच्चों को, औरत लोग को तकलीफ हो रही है, पानी की तकलीफ हो रही है। हर एक घर में 2 पेशेंट हो चुके हैं, एक छोटी 2 साल की बच्ची भी जल गई है। हम लोग का घरधारक का एक ही कहना है, अदानी ने जो एक्शन ली हम लोग के ऊपर वो बंद करनी चाहिए। और हम लोग कलेक्टर के पास इसलिए आए थे कि हमारा ये मुद्दा भी हम लोग ने बोला और उनको बोला कुछ तो कीजिए, लेकिन वो बोले हम उनको प्राइवेट कंपनी को नहीं बोल सकते। हमारा उनको एक ही कहना है, आप महाराष्ट्र शासन को तो बोल सकते, हम तुम्हारी पब्लिक है, हमारे लोगों का ध्यान रखो और जो बड़ी हानि होने से पहले लाइट का बंदोबस्त करो। और दूसरा, जो बिल्डर के लोग हैं वो लाइट का माध्यम से जो बिल नहीं भरे वो लोगों को बोल के ये कर रहे, फंसा रहे कि हम लोग बिल भरेंगे, माफ़ करेंगे, और सर्वे कर रहे, ज़बरदस्ती सर्वे करे, झूठा सर्वे करे वो। उसके लिए हम कलेक्टर ऑफिस आए थे और उनसे बात किए, वो बोले ये सर्वे हम लोग का नहीं है, वो पर्सनल कर रहे हैं, ये झूठा सर्वे है, बस इतना ही बोल। और सभी महिलाएं पुरुष सब परेशान है, इसके लिए हम 5 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे, मांग कर रहे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी पूर्ववर्तित हो जाए, मगर हमारी कोई सुनता नहीं। यहाँ पे 13 साल से विकासक और रिलायंस के अधिकारी उनका मिलजुल के यहाँ के लोगों को परेशान करने की उनकी कोशिश चालू है। लोगों के अंदर के दिल से और उनके तकलीफ के वजह से इतने लोग इधर जमा हुए। 8 दिन जो लोगों को जो तकलीफ हुआ है, जो अंधेरे में बैठे हैं, उनका वो उधरे के हो। और यह अभी ये तो ये खाली ये झांकी है और अभी अदानी को एक झटका बाकी है। इसके लिए अभी अदानी शाना रहेगा तो वो अपना लाइट सबको मिल के, हाथ में मिला के वो चालू करेगा, क्योंकि हम लोग बिल भरने के लिए तैयार है। पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार है और इसके बाद भी बिल भरने वाले हैं हम लोग। इसके लिए वो हमारा लाइट चालू करेगा, अगर नहीं करेगा तो हम हमारे हिसाब से देख लेंगे क्या करने का। वो सिद्धार्थ कॉलोनी के लोग बेहाल हो चुके हैं, 5 दिनों से लाइट नहीं है, यहाँ पे एक बच्चा जल गया है, साथ ही साथ लोगों को, बूढ़े लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बहुत शर्मनाक बात है कि यहाँ के खासदार आमदार, जिनको केवल हम लोग मतदार दिखते हैं, जब वो
इलेक्शन आता है तो उनको सिद्धार्थ कॉलोनी दिखती है, लेकिन आज उनको सिद्धार्थ कॉलोनी जो अंधेरे में वो दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ के नगर सेवकों को कोई भी पार्टी को हम उनसे लेना देना नहीं रखते, लेकिन सिद्धार्थ कॉलोनी का बेहाल हमको आज बहुत ही शर्म आ रही है कि इन आमदारों का, खासतौर का हम लोग सब निषेध कर रहे हैं कि जिस तरह से लोगों की हालत है वो उनको कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ के सिद्धार्थ कॉलोनी के लोगों ने आज जो कलेक्टर साहब से मुलाकात की है, कलेक्टर साहब के यहाँ से तो कोई आश्वासन नहीं आया, लेकिन फिर भी जो कलेक्टर साहब है उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यालय से आपके सिद्धार्थ कॉलोनी में किसी तरह का सर्वे नहीं हुआ है, जो सर्वे लोग कर रहे हैं वो फेक है, वो झूठा है, अगर ऐसे लोग आपके दरवाजे पे आते हैं तो उनके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं, इतना आश्वासन उन्होंने हमको दिया है। ये एक छोटा सी आशा की किरण है जो हमारे हमको लग रही है, जो कि जो लोग हमको सता रहे थे या फंसा रहे थे तो उसको हम लोग रोक सकते हैं, वो एक आशा यहाँ पे हमको मिल चुकी है। रही बात हमारे जो लाइट बिल, हम लोग एसटीवी के माध्यम से सबको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके दर्शकों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ की पब्लिक को आप ऐसा मत समझो कि ये लाइट बिल नहीं भरना चाहते, लोग चाहते हैं कि लाइट बिल भरे, लेकिन अगर लाइट बिल का यूनिट और जो यूज़ करे वो अगर कहीं ज़्यादा आए, जो हमारे इनकम से ज़्यादा है, तो कोई नहीं भर पाएगा। तो वही हाल यहाँ के लोगों का है, तो मैं अपने चैनल के सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी ये ध्यान में रखें कि सिद्धार्थ कॉलोनी के लोग, हम लोग अदानी को ये कर रहे हैं, जाहिर नहीं ये कर रहे हैं कि आप लोग इसमें हमारा जो चालू महीने का बिल है वो ले ले और चालू कंटिन्यू रखें, अगर हमारा उसके बाद लाइट बिल नहीं भरा जाता तो आप ज़रूर हमारे पर कार्रवाई कीजिए, ये मैं उनके आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। मुख्य कारण जो है ये सारे है, जो ये 14 एकड़ का प्लॉट है, टोटल 3,250 यहाँ पे लोग रहते हैं, दलित बस्ती करके इसको बोलते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इनके जब मौजूद थे उस वक्त ये जो है एरिया बसा हुआ था, और बहुत ही यहाँ पे 90 से ज़्यादा लोग जो है दलित बस्ती में रहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब को मानने वाले लोग रहते हैं। वहाँ पे कुछ जो कार्यकर्ता 2006 में उभर के आए, उन्होंने एसआरए का एक आयोजन निकाला कि हम लोग एसआरए करेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, लोगों को बुरा झूठा झूठा आश्वासन दिया और लोगों ने अपने अपने सहमति दे दी कि हाँ जी करो, लेकिन उसमें आदिशक्ति डेवलपर के दीपक भाऊ निकाजे उन्होंने हस्तक्षेप किया, उन्होंने सहभागी दिखाया कि उनके कंपनी पे उन्होंने नाम पे करके लिया और लोगों के साइन ले लिया, उस वक्त से लेकर उन्होंने ये जाहिर कर दिया था कि लोगों को लाइट बिल ना भरे, जब भी ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब हमारा लाइट बिल, हम लोग आपका लाइट बिल भर देंगे, इसी आश्वासन पर लोग टिके रहे, लेकिन 14 साल हुए लोगों को ना घर मिला ना आज तक कुछ हासिल हुआ, उल्टा उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया है, यही हमको मेन इसका मुद्दा है। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।